तो क्या हाल चाल है भाई। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ OPPO A57। और भाई साहब ये मोबाइल आप देख सकते हो कितना तगड़ा देखने को मिलता है, और जितना अच्छा ये मोबाइल है ना उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने ये मोबाइल खरीदा है या फिर अभी भी आप खरीदने की सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना, तभी आपके अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि अगर आप किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो या फिर आपको किसी ऐप को हाइड करना है या फिर आप मतलब यहां पे कुछ भी फोटोज वीडियोस वगैरह हाइड करना चाहते हो, तो अपने मोबाइल के अंदर ही कैसे कर सकते हो, यानी कि आपको कोई भी बाहर से प्ले स्टोर वगैरह से कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहां पे अपने मोबाइल के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके लिए सिंपली आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहां पे जैसे नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाना है प्राइवेसी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐप लॉक, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे पासवर्ड्स लगा लेने हैं, आपको जो भी याद रह सकता है वो पासवर्ड यहाँ पे लगा लेने हैं, और यहाँ पर आप किसी भी ऐप के लॉक लगा पाओगे। तो ये भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर बैक जाओगे यहाँ से तो यहाँ देखिए हाइड एप्स, इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफी सारे एप्स आ जाएंगे, यानी कि जो भी आपके एप्स हैं वो यहाँ पे पूरे आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो ना, तो यार आसानी से आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, और उन हिडन एप्स को देखना चाहते हो कि जो मैंने हाइड किए हैं वो दिखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे हिडन के ऊपर जाइए और यहाँ पर देखिए हिडन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप ये एप्स वगैरह हाइड कर सकते हो। और अगर फिर से बैक जाओगे तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर भी काफी अच्छा, जैसे कि आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाने हैं, और यहाँ पर आप कोई भी फोटोज वीडियोस कुछ भी छिपाना चाहो, कैसा भी फोटो वगैरह छिपाना चाहो तो छिपा सकते हो। पर यार एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे पासवर्ड थोड़े से भारी लगा लेना ताकि कोई भी आसानी से देख ना पाए। तो अपनी मर्जी से पासवर्ड लगा लीजिए जो भी आपको याद रहते हैं, और यहाँ पे कोई भी फोटोज वीडियोस आप जो भी छिपाना चाहते हो छिपा सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मैं कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ, यानी कि आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, कहाँ पे देखनी है वापस, तो यहाँ पे कॉल के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे देखिए थ्री डॉट ऊपर दिख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा सेटिंग्स का ऑप्शन, इसके ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर जैसे कि आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो सबसे पहले हम कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कॉल रिकॉर्डिंग्स, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन नंबर, यानी कि आप चाहते हो कि जो नंबर मैं चाहूँ, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, फिर आपकी सिर्फ उसी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, उस नंबर की यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे चूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जैसे कि आप अननोन नंबर्स, यानी कि जो आपके मोबाइल के अंदर एड नहीं है, जो अननोन नंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की आप रिकॉर्डिंग चाहते हो, तो इसको ऑन कर लीजिए। और आप चाहते हो कि रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, मतलब जितनी भी कॉल्स आए आपके चाहे किसी की भी हो, तो रिकॉर्ड ऑल कॉल्स पे कर दीजिए। अब सारी जो रिकॉर्ड आपके कॉल आएगी उस वो रिकॉर्ड हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर। और यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हो, यानी कि आपको लगता है यार अपना मोबाइल भर ही चुका है, मेमोरी जो स्टोरेज है फुल हो चुकी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो सेट, जैसे कि अभी नो लिमिट है, मतलब अनलिमिटेड आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आप चाहते हो 1000 रिकॉर्डिंग, 2000, 3000, मतलब 1000 होने के बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगी, तो कुछ इस तरह से आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखना चाहते हो कि जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने की है वो हो कहाँ पे रही है, तो वी कॉल रिकॉर्डिंग्स पे जाना है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगी जैसे कि सेटिंग्स को यहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी एक बार के लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे परमिशंस के अंदर जाइए, और आपके अगर नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, जैसे कि फाइल्स वगैरह है ना इसको यहाँ पे अलाउ कर लेना, ठीक है ना। ये देखिए अब यहाँ पे ये परमिशन इनको मिल चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको मतलब यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, जितनी भी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। अगर बैक जाओगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आंसर एंड एंड कॉल्स, ये देखिए यहाँ पे देखिए ऑटो आंसर कॉल्स व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस, यानी कि जो ब्लूटूथ वगैरह हमारा जो मतलब कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आप बाइक वगैरह पे रहते हो तो उठा नहीं सकते कॉल को, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपके कोई भी रिंग बजेगी तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक उठ जाएगा, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर उठाना है, 3 सेकेंड के अंदर उठाना है, या 10 सेकेंड के अंदर मतलब ऑटोमेटिक कॉल उठ जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है।
और यहाँ पे देखिए प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, अगर इसको ऑन कर लेते हो तो जब भी आपकी कोई कॉल आती है तो यहाँ पे आप इसको पावर बटन को प्रेस करोगे तो आपकी कॉल जो है ना वो कट जाएगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो, बंद या चालू रखना चाहो वो रख सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको कुछ और भी मजेदार चीजें बताता हूँ जो कि आपके मोबाइल को काफी यहाँ पे अच्छा बना देती है। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे देखिए पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वॉलपेपर है। वॉलपेपर तो आपको बताओ नॉर्मल चीज़ आप चेंज करते ही होंगे, पर यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अभी ये मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप एक बार अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखना, एग्री कर लेना यहाँ पे। और यहाँ पर काफी अलग अलग थीम्स आपको मिल जाएगी जो कि मतलब मोबाइल को पूरा चेंज कर देगी। मोबाइल का जो पूरा यहाँ पे शेप है, वो जो अंदर के यहाँ पे एप्स वगैरह होते हैं इनको पूरा चेंज कर देगी। तो यहाँ पे ओपन थीम स्टोर के अंदर जाकर आप काफी अच्छी अच्छी थीम्स डाउनलोड कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और भी मैं यहाँ पे चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि बैक आओगे ना तो यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आपके जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी एप्स रहते हैं उनके आइकन कुछ इस तरह से, तो आप इनको चेंज करना चाहते हो। जैसे कि अभी फोटो कुछ इस तरह से, इसके ऊपर नजर रखना आप। अभी यहाँ पे मटेरियल के अंदर करूंगा तो ये देखिए फोटो कुछ इस तरह से हो चुका है, पेबल के अंदर करूंगा तो कुछ इस तरह से हो चुका है। तो आप इन चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे भी आपको रखना है रख सकते हो। और ये जो आइकन है ना, आप इनको बड़ा या छोटा भी करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बड़ा हो चुका है, छोटा करना चाहो छोटा, ये देखिए छोटा हो चुका है। आप इनको अपनी मर्जी से कर सकते हो। और जो ऐप के नेम्स दिख रहे हैं ना, जैसे फोटोज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप इनको भी बड़ा या छोटा कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, ये देखिए छोटे करना चाहते हो छोटे भी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि यार मुझे ऐप का यहाँ पे नेम ही हाइड करना है तो ये देखिए नेम हाइड कर सकते हो। देखिए अब आपको सिर्फ शक्ल देख के इसको पहचानना पड़ेगा कि भाई तू कौन है, तो यहाँ पे नेम भी आप हाइड कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, अगर आपको नेम दिखाना है या नहीं दिखाना है। और यहाँ पे कस्टम के अंदर जब जाओगे ना, देखिए आ साइड में कस्टम हो, यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हो आप कस्टमाइज। तो यहाँ पे जाओगे जैसे कि आप इनका शेप चेंज कर सकते हो, जैसे कुछ इस तरह से रखना है आपको या फिर कुछ इस तरह से रखना है, आपको जैसे भी रखना है रख सकते हो, देख सकते हो आप। आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है और यहाँ पे काफी मजा आता है, आपका मोबाइल काफी अलग सा दिखने लग जाता है। और यहाँ पे देखिए क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर जब क्लिक करते हो ना तो जैसे कि आपके यहाँ पे नीचे करते हो तो देखिए वाईफाई वगैरह है, मोबाइल डाटा, मतलब इनके जो शेप है ना अभी राउंडेड शेप के अंदर है, तो आप इनका भी शेप चेंज कर सकते हो भाई साहब। जैसे कि विंडो के अंदर कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए, या आप स्क्वायरल के अंदर, ये देखिए मतलब अलग अलग शेप चेंज हो जाए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से हो चुके हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो कर लेना है। और यहाँ पे बैक जाओगे तो यहाँ पे देखिए कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि कलर्स के ऊपर जब जाओगे तो यहाँ पे जैसे मैंने वाईफाई को ऑन कर रखा है तो ग्रीन कलर के अंदर है, तो आप चाहते हो मुझे ग्रीन नहीं मुझे अलग कलर चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कि कस्टम कर लेना है, जो मुझे रेड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से हो चुके हैं पिंक टाइप। तो आपको जो कलर फेवरेट है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीन कर लेना है, जो भी करना है वो कर लेना है, येलो कर लेना है, और आपको डिफॉल्ट यानी जो पहले था वही रखना है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट के ऊपर कर दीजिए, वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वापस ग्रीन हो चुका है। तो आप अपनी मर्जी से इन छोटी मोटी चीज़ों को कस्टमाइज कर पाओगे। और अगर यहाँ से बैक जाओगे तो जैसे यहाँ पे देखिए फोन एंड डिस्प्ले साइज, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जो आपकी फॉन्ट है, जो डिस्प्ले की साइज है, उसको भी बड़ी छोटी कर सकते हो। फॉन्ट का मतलब जैसे कि आपके कुछ भी लिखा रहता है व्हाट्सएप वगैरह के अंदर, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉन्ट की साइज को यहाँ पे जो भी लिखा रहता है वो यहाँ पे बड़ा या छोटा कर सकते हो। और जो डिस्प्ले की साइज यानी कि कुछ भी हमें दिखता है फोटोज वगैरह, उसकी साइज बड़ा करना चाहते हो, देखिए ये देखिए उसकी भी साइज को बड़ी कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है उसको करके यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा यार काफी लोग ऐसे डबल टैप करते हैं उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है और डबल टैप करते हैं उनका मोबाइल ऑन हो जाता है। तो ये सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है और यहाँ पर जैसे कि मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, मोर के ऊपर चले जाना है, ठीक है ना। अब मोर के ऊपर जाओगे पहले तो इसको ऑन कर लेना है, डबल टैप टू लॉक, और नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए रेस्ट टू, इसको भी ऑन कर लेना है। ये क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी काफी यूजफुल है, और इसको भी ऑन कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे डबल टैप किया मैंने, ऑफ हो चुकी है स्क्रीन, डबल टैप की स्क्रीन ऑन हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप ऑन ऑफ कर पाओगे यहाँ पे स्क्रीन को। पर जो मैंने रेस्ट टू का आपको ऑन कराया वो क्या है, जैसे कि मैं मोबाइल को ऐसे रख देता हूँ, ठीक है ना, मोबाइल को मैंने रखा, ये देखिए मोबाइल पड़ा है। अब आपको कुछ भी बटन वगैरह प्रेस नहीं करना है, बस मोबाइल को ऐसे उठाना है सिंपली, ये देखिए और मोबाइल ऑन हो चुका है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको टाइम वगैरह देखना है, आप सो रहे हो तो आप मोबाइल को उठाओगे तो यहाँ पे टाइम वगैरह दिख जाएगा आपको, मतलब कोई भी बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, ना डबल टैप करना है, बस मोबाइल को उठाना है और आपका जो यहाँ पे लॉक है वो मतलब स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है।
तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बहुत ही मजेदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो यार उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो में इतना खो जाओगे कि यार लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक जरूर कर लेना। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे बैटरी के परसेंटेज वगैरह दिखाने हैं या फिर जो बैटरी का शेप है ना आप इसको भी चेंज कर पाओगे, इसको चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको इंटरनेट की स्पीड चाहिए कि हमारा जो इंटरनेट कितने एमबी पर सेकेंड चल रहा है। और उससे भी एक अच्छी चीज बताता हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो आप उसको क्या करते हो, यहाँ पे क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर हो जाता है। अगर आप उसको बाद में ढूंढना चाहो तो नहीं ढूंढ पाओगे, पर दोस्तों आप चाहते हो कि यार मैं एक साल के बाद भी अगर जाकर देखूं कि किसका नोटिफिकेशन कब आया था तो आप देख सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको एक बार सेटिंग को ऑन करना रहता है, तो इन सब चीजों के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेटस बार, इसके ऊपर जाना है। तो यहाँ पे सबसे देखिए बैटरी के परसेंटेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है कि बैटरी के परसेंटेज आपको बाहर की साइड में दिखाने हैं, अंदर की साइड में मैं अंदर की साइड में कर देता हूँ। और यहाँ पे बैटरी स्टाइल ये देखिए, बैटरी अभी कुछ इस तरह से वर्टिकल कर लीजिए, यहाँ पे लूप कर लीजिए, ये काफी अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पे ऊपर लूप की तरह हो चुका है। तो आप अपनी मर्जी से इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। और आप चाहते हो ना बैटरी शो ही नहीं करनी तो भाई साहब डू नॉट शो भी कर सकते हो, बैटरी यहाँ पे शो नहीं होगी। और परसेंटेज शो करने हैं तो यहाँ पे सिर्फ बैटरी के परसेंटेज शो हो जाएंगे, बैटरी शो नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफी मजेदार बना देती है आपके मोबाइल को। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगता है वो यहाँ पे रख लेना है। और यहाँ पे देखिए रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है, जैसे कि आपका जो इंटरनेट है कितने एमबी पर सेकंड चलता है वो यहाँ पे शो होता रहेगा, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड के ऊपर यहाँ पे शो होता रहेगा कि कितने एमबी पर सेकंड आपका इंटरनेट चल रहा है। तो इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऑन कर सकते हो। और बैटरी की स्टाइल वगैरह आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन आइकन्स, इसके ऊपर जब क्लिक करते हो जैसे कि अभी आपके कुछ ऊपर नोटिफिकेशन आए हुए हैं तो उनका लोगो शो हो रहा है। तो आप चाहते हो नंबर्स के अंदर शो, तो ये देखिए दो नंबर शो होने लग चुके हैं। तो आप चाहते हो कि आइकन या नंबर्स आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और अगर देख जाओगे तो मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन हिस्ट्री के बारे में, तो उसके लिए आपको मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसके ऊपर जाना है और एक बार इसको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों अब क्या होगा ना, आपके पास यहाँ पे कुछ भी क्लियर करोगे ना तो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपकी मौजूद रहेगी, आपने जो भी क्लियर किया, चाहे आपके पास व्हाट्सअप से मैसेज आए हो, इंस्टाग्राम से किसी का मैसेज आए हो, या किसी ने फोन पे किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आप ऐसे क्लियर कर दोगे तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको मतलब कभी भी आप चेक करना चाहो कि यार किसका मैसेज कब आया था तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है कि भाई यार मुझे सिर्फ कॉल करनी है, पर आपको तो पूरा शक है कि यार एक कॉल का बोल के कोई और चीजें ना छेड़ ले, कोई मतलब इसके बहाने कोई और हमारी पर्सनल चीजें ना देख ले, या फिर आप अपने बच्चों को मोबाइल पढ़ने के लिए देते हो पर आपको लगता है यार यूट्यूब पे वीडियो देखने की बजाय कुछ और ना कर ले। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये कुछ और छेड़ने लग चुका है। तो इसके आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मैं बताता हूं, उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहां पे देखिए, जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि आप लॉक स्क्रीन लगा सकते हो, फेस लॉक लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट वगैरह, ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको मिल जाती है जो कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। पर जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको जाना होगा सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर और सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पिनिंग, इसको ऑन कर लेना है आपको। अब इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने इसको ऑन कर लिया, अब जैसे कि किसी ने कॉल के लिए मांगा है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको रिसेंट एप्स पे जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए पिन कर लेना, पिन का ऑप्शन है ना दो नंबर पर, इसको पिन कर लेना है। अब ये पिन हो चुका है। अब अगर आप बैंक वगैरह जाना चाहोगे तो नहीं जा सकते, देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लीजिए, बैंक वगैरह नहीं जा सकते, पर यहाँ पे इसको कितना भी चला सकते हो, जितना चलाना चाहो उसको चला सकते हो, पर बैंक नहीं जा सकते। पर अगर बैंक जाना है आपको तो क्या करना होगा, बैंक बटन और जो रिसेंट एप्स वाला बटन है इन दोनों को साथ में से प्रेस करके रखना है। अब आपका जो ऐप है अनपिन हो चुका है, अब आप बैंक जा सकते हो। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे तो कोई भी अनपिन कर लेगा, कोई समझदार होगा तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है ना तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक इस ऐप को अनपिन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ से आप लॉक भी लगा सकते हो, देखिए जो भी लॉक लगाना चाहो वो लॉक लगा सकते हो। तो जब तक ये लॉक नहीं खोलोगे आप तब तक अगला वाला कुछ भी नहीं चला पाएगा। तो लॉक खुलाने के लिए आपसे पूछे गए तो आपको पता चल जाएगा कि जरूर कोई दूसरी चीज ट्राई कर रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, फ्यूचर के अंदर एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो।
तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे एक साथ में दो एप्स को यूज करना है, यानी कि आप चाहते हो कि मुझे व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करनी है और इंस्टाग्राम पर भी चैटिंग करनी है, या फिर आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी देखने हैं और साथ में चैटिंग वगैरह भी करते रहना है, तो ये सब कुछ आप कैसे कर पाओगे? इसके लिए आपको सिंपली बताता हूँ, जैसे कि यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे थ्री फिंगर्स ऐसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं फोटोज को ओपन कर लेता हूँ, अब यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे फोटोज भी चला सकते हो साथ में, और यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियोस तो आपकी चलती रहेगी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे बड़ा छोटा करना चाहते हो, यानी कि यूट्यूब को बड़ा करना है, तो यूट्यूब यहाँ पे बड़ा हो चुका है, तो इन चीज़ों को आप कस्टमाइज कर पाओगे यहाँ पे, कि जिसको बड़ा करना है छोटा करना है वो कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर नीचे लेके जाना है तो ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हो, देखिए। तो कुछ इस तरह से आपको कस्टमाइज कर लेना, और यहाँ पे एक साथ में दो एप्स को आप यूज कर पाओगे। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो यार अब तो लाइक करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे कि आपको बताऊंगा, पावर बटन और जो वॉल्यूम डाउन बटन, इन दोनों को साथ में प्रेस करने से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। और एक दो तरीके और बताता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे थ्री फिंगर्स ऐसे करना है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है, और स्क्रॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक लंबा स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने एक फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप देख सकते हो, सिर्फ एक फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। आप एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक तरीका और बता दूं, जैसे कि आपको थ्री फिंगर से ऐसे यहाँ पे प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे देखिए आपको जितना भी जिस शेप के अंदर आपको लेना है वो ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है, ये देखिए आपको कस्टमाइज कर लेना है, जितना भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है वो ले सकते हो। तो ये काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिल जाती है स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे जो नीचे के बटन से ना इनको हाइड करना है, ये नहीं दिखने चाहिए, एकदम आईफोन की तरह बनाना है अपने मोबाइल को, तो ये सब कुछ भी कर पाओगे। इसके लिए सिंपली आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि सबसे ऊपर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे गेस्टर्स के ऊपर आपको कर लेना है। यहाँ पे सीखना चाहते हो कि यार बटन ही हाइड हो जाएंगे तो हम चलाएंगे कैसे, तो आप यहाँ पे लर्न के ऊपर जाकर सीख भी सकते हो, पर मैं आपको सिखा ही देता हूँ। जैसे कि कैंसल पे जाना है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे बटन वगैरह हाइड हो चुके हैं, आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं दिख रहा है। अब अगर बैग वगैरह जाना है तो सिंपली इधर से करोगे तो बैग चला जाएगा, इधर से करोगे तो भी बैक चला जाएगा, और यहाँ से करोगे तो होम स्क्रीन पे आ जाओगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, और यहाँ से ऐसे करके रखोगे रिसेंट सेव्स पे आ जाओगे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बिना बटन के चला सकते हो, और काफी मजा भी आता है इसे चलाने के अंदर, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आपको ऐसे रखना है या वापस बटन से रखना है तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर ही आपको बटन मिल जाएंगे, और यहाँ पे बटन के अंदर आप लेफ्ट राइट के अंदर करना चाहते हो, जैसे कि राइट अभी राइट हैंड के अंदर है, आप लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करते हो तो बैक बटन वगैरह लेफ्ट हैंड के अंदर भी कर सकते हो, देखिए लेफ्ट हैंड के अंदर आ चुके हैं। तो अपनी मर्जी से इन छोटी मोटी चीजों को कस्टमाइज कर पाओगे, जैसे भी आपको रखना है रख सकते हो। और दोस्तों यहीं पर मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि सिस्टम सेटिंग्स के अंदर ही आपको यहाँ पे जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे ओटीजी कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके मतलब क्या है, जैसे कि आप कुछ भी पेन ड्राइव वगैरह अपने मोबाइल के अंदर लगाते हो तो यहाँ पे इसको ऑन करना रहता है। काफी बार हम सोचते हैं कि यार हमारे मोबाइल के अंदर तो पेन ड्राइव सपोर्ट ही नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं, सपोर्ट करती है। एक बार इसको ऑन कर लेना, और एक बार नहीं है 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो जब भी आप पेन ड्राइव लगाओ तो इसको एक बार जरूर ऑन कर लेना, तो फिर आपकी जो पेन ड्राइव वगैरह है वो चल जाएगी। और अगर आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते हो, हार्ड रिसेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए बैकअप एंड रिसेट के ऊपर जाना है, ये देखिए इसके ऊपर, और यहाँ पर जैसे रिसेट फोन के ऊपर जाना है, इरेज ऑल डाटा पे जाना है, इरेज डाटा करना है, आपका मोबाइल जो है फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब सब कुछ डिलीट हो जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बता देता हूँ, जैसे कि आपको अगर अपनी जीमेल आईडी याद नहीं है ना, तो यहाँ पे पहले अपने मोबाइल में से जीमेल आईडी को हटा लेना है, और अगर आपको जीमेल आईडी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल जब फॉर्मेट होकर वापस ऑन होगा तो ये आपकी जो इसके अंदर अभी जीमेल आईडी है वो मांगेगा, तो यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो पहले उसको हटा लेना है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और आप अभी तक देख रहे हो, यार इससे अच्छा और क्या होगा मेरे लिए। तो अब मैं आपको एक आखिरी का फीचर बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो जैसे कि आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, और आप चाहते हो कि मतलब मेरे जो पूरी डिटेल में चलाता हूँ मोबाइल को, कितने घंटे चलाता हूँ, क्या क्या एप्स यूज करता हूँ, पूरी डिटेल आपको चाहिए, तो ये देखिए डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल के अंदर जाना है। अब यहाँ पे यूसीओ और डाटा के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आप अपने मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो। जैसे कि मैंने अभी 17 मिनट के लिए यूज किया है,
तीन बार अनलॉक किया है अपने मोबाइल को और नोटिफिकेशंस कितने हैं, जीरो, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल के अंदर सिम कार्ड वगैरह नहीं है। और आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर देखिए कि आपने पूरे दिन में कितने घंटे तक यूज़ किया है, कितने नोटिफिकेशन आते हैं और कितनी बार अपने मोबाइल को खोलते हो। और दोस्तों ये भी बताएगा कि मतलब एक दिन का नहीं, पूरे एक महीने की डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे जाकर कि एक महीने के अंदर आपने कितना चलाया है और यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, जैसे कि मैंने ज़्यादा सेटिंग्स यूज़ किया, कॉन्टेक्ट्स यूज़ किया है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर ज़रूर देखिए कि आपका जो कीमती समय है आप कहाँ पर बिता रहे हो, ये आपको ध्यान में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यार वीडियो कैसी लगी आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे ना तो यार लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपका ओप्पो A57 से रिलेटेड कोई भी सवाल हो ना, अगर आपको कोई और फ्यूचर जानना है इसका, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो इससे, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। और दोस्तों अगर चैनल पर आज पहली बार ही आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन लाता रहता हूं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।